Welcome to Time Wheel Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. सदर आरिफ अलवी सूथो पीटीआई की समूरी क्यादत पार्लियामेंटी हमलों केस में आज ही करार। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोल अदालत पीटीआई अगवान की बरियत बारे दरख्वास्तों से फैसलो बुधाए छो। बरी थियल अगवान में शाह महमूद कुरेशी, असद उमर, परवेज खटक ए शफकत महमूद शामिल। अलीम खान, जहांगीर तरीन ए शौकत यूसुफ जई भी आजा थी वया। काफ लीग सरबराह तरफा हुकूमत ए अपोजिशन के जलसा मुलतवी करण की अपील। चौधरी शुजात चयद अपोजिशन तो जलसन की सियासत कंदी आहे पर हुकूमत भी जलसन में लगी वही। हारायण ए खटण के अना जो मसलो बढ़ाने बदरा वोटिंग में हिस्सों वरतो वे। बई धुरियों कारकुनन के डफेड़ जो रस्तो न डेखारन। डफेड़ जो फायदो दुश्मन कुवतुन के थींदो। असां के नंढी पार्टी सदींदड़न का विसरी वो है तो मुल्क लाए वड़ा फैसला कंदा आहियूं। चौधरी शुजात की सरबराही में काफ लीग जो अहम इजलास अज थी रो है। बेतमादी रिथ इतिहादिन अपोजिशन से गालन ते मुशावरत बाद अहम फैसलन जा इम्कान। ना मौलाना फजलुर रहमान मौज़े तंग हैं और वो एक आलम दीन है, उनको समझना चाहिए। और वोटिंग की तारीख कोई 28, 29, 30 क्योंकि 8 तारीख को आपने कागज दाखिल किए हैं, वोट डालें। अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। इनकी अकल को मातम करने को दिल करता है। एक साल इलेक्शन से पहले ये फड्डा करने जा रहे हैं। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। इंशाल्लाह सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे, लेकिन मैं जिनको जानता हूं उनको पाकिस्तान की फिक्र है और वो उनको समझा रहे हैं कि अपने मामले बाहमी अफहाम व तफहीम से तय करें। अगर हल ना हुए तो दमादम बस कलंदर होगा। एम्पायर पाकिस्तान से गद है। जिनके पाकिस्तान जो फिक्र है उहे हिनन के समझाए रहे हैं तो पंजा मामला हल कयो। उहे जमहूरियत जा सपोर्टर हैं, कैसा भी न पर मुल्क से गद हैं। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद काफलीग के वजीर आजम जो साथ दियण जो मशवरो डींदे है तो मेंबर्स के वोट कास्ट करण का रोको वो तो आउं जिम्मेवार होंदुस। बेतमादी रिथ से वोटिंग 28, 29 और 30 मार्च से थी। इतिहादिन जहा मजा उ इमरान खान दा वापस इंदा। इम्तिहान में पुठी डींदड़ के कौम सुठो ना समझंदी। गाल अगते वधी वही है। जिनके पेरन से मेहंदी लगल हुई उ भी घर निकरी मुलाकातूँ कन था। फजलुर रहमान के समझण घुर्जे तो मौला जट की सियासत न हलंदी, इन जहा खतरनाक नतीजा हूँ। बेतमादी बदरा कुछ बो निकरी इंदो। मुतहदा पाकिस्तान के वफद की शहबाज शरीफ ए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बेतमादी रिथ सूधो बन अहम मामलों से गालूँ। एहसन इकबाल है इमरान खान पी नाकामी लिकायण के लिए हजूम गर्दी जो सहारो पो वे। अड़ा टिकसाट हिटलर पे इतिहादन के लिए इस्तेमाल कह हो। इमरान खान जमहूरियत से यकीन रखे तो जलसन बदर पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित करे। इस्टैब्लिशमेंट ए हुकूमत धार ना हैं, बिन्हीं के गड हलणो हुंदो आहे। खबर ना है तहां के छो नजर अचे तो हुकूमत बनी रही है। इतिहादी हुकूमत से गड आहिन। वफाकी वजीर परवेज खटक चयो आहे त हफ्ते या 20 दिन में आर्मी चीफ से मुलाकात थी वेंदी आहे। बेतमादी मामले में इमरान खान तमाम घणो पुर एतमाद आहे। सियासी पार्टीज जो मुलाकातूं थींदी रहंदियूं आहिन, जिनके वञणो आहे इस्तीफा ॾिए। असेंबली मेंबर्स के धमकाने जो को भी इरादो ना है। बेतमादी जो जमहूरी तरीके से मुकाबलो कंदासी। परदेही वजीर अपोजिशन के इतिहाद ए बेतमादी रिथ के फूकणो करार दे छो। शाह महमूद कुरैशी है तो असा इस्लामाबाद में धरणो हणन लाए न पाया अचू। इन गाल में फर्क महसूस करण घुर्जे।
वजीर आजम कुछ गाल कौम से मजन घुरे तो जलसन जरिए कौम के एतमाद में वो अपोजिशन वा नंबर पूरा करण की दावा कन था धरने की छो जरूरत है। अपोजिशन की सफुन में डफेड़ है वटन मुस्तकबिल के सेटअप बाबत का भी रिथाबंदी ना है। अन्या तक घोड़े ते वेठा आयूं मैदान ते लहंदासी त सब वाजे थी वेंदो। इमरान खान नाकामी डिसी घरू वेठ कराइण घुरे तो असा घरू वेठ खां बचण लाए कारकुनन के इस्लामाबाद घुरायूं था। पीपल्स पार्टी में ने खुर्शीद शाह इमरान खान के नाकाम तरीन वजीर आजम करार दींदे चयो आए त मुल्क में इदारा भी मौजूद आहिन मार्शल लॉ न लगंदो अंधी नगरी चरबट राज नाहे जो स्पीकर ऑर्डर कंदो त बादशाहत रहंदी। आइन की भंजकड़ी से आर्टिकल 6 के भोगणो पवंदो पोए भली स्पीकर हुजे या आं हुजा। वजीर आजम वायड़ाप में पान के मस्करो जाहिर करे तो असो वे सिंध हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन सुठी ना है जेके कम हुकूमत के करना है उहे अदालत छो करे। सिंध हाई कोर्ट हुकूमत की कारकर्दगी से सवाल उथारे छा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सखर की दरख्वास्त बुधड़ी दौरान जस्टिस अमजद अली सहतो शहर की हालत खराब कर छी अथ फायर ब्रिगेड के अपडेट ना बार रिक्शा से लटकी स्कूल वेंदे ऐसू था दुख थे तो शहर के गटर जो पानी दिनों वे तो बिन ऑफिसर्स बेले खाते की जमीन का कब्जा हटाने जो कम शुरू किया तो खेन फारिग किया वो। असलान साहब तुम मैयत बस आने की गाल जीअर मानून के लिए कुछ करण बदर इंतजार पा कर तो सब कब्रिस्तान में अचन जी एक साहब सुकून रुगो कब्र में मिल है। जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम के रिमार्क से अदालती कमरे में टहकड़ा मची वाया। वफाकी सरकार तरफा मौजूद ऑफिसर्स सिंध के दिण की खातरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स के सिंध में बदलन बाबत केस उकलाए छो। बुधड़ी दौरान अटर्नी जनरल तो खोड़ ऑफिसर्स जो मुद्दों पूरा थे बावजूद सिंध सरकार खेन रिलीव नथी करे। ऑफिसर्स की खोट सबब सूबन के कोटा तहत मुहैया नथा करे सकूं। चीफ जस्टिस तो अदालत हुकुम दिए ऑफिसर्स ही न होजन तो अटर्नी जनरल तो अदालती हुकूमत अमल लाजमी थी वो बेन सूबन में ऑफिसर्स घुरा दियणा पवंदा। चीफ जस्टिस चयो तो अदालत इन मामले में फैसलो न राय दई सके थी। सुप्रीम कोर्ट सेनेट की सीट से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार निसार खोड़ो की कामयाबी जो नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा रद्द कर छी। इलेक्शन कमीशन जवाब जमा कराने के लिए मोहलत घुरी वरती। कमीशन की इस्तदा मंजूर कदे बुधनी अप्रैल के पहले हफ्ते ताई मुलतवी। इलेक्शन कमीशन सेनेट चूंड में निसार खोड़ो की कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी कर छो। सिंध हाई कोर्ट तरफा इंस्पेक्टर्स के तरक्की न मिलने बाबत आई जी सिंध के तकरारी बयान से कावड़ इजहार। पुलिस इंस्पेक्टर्स से तरक्की न मिलने खिलाफ दरख्वास्त बुधड़ी दौरान जस्टिस आफ्ताब गोरड़ चयो तो सोली गाल कयूं था अमल दरामद रिपोर्ट पेश कयो। सुप्रीम कोर्ट में हिकड़ी अहते बी रिपोर्ट छुपिया पेश कयो। सुप्रीम कोर्ट में जमा करायल सीनियोरिटी लिस्ट 17 मार्च से पेश करण जो हुक्म। अदालत क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर्स के मुकररिन ते आई जी सिंध के छंड पटींदे चयो तो तुम फोर्स जहाँ सरबराह आयो क्रिमिनल ऑफिसर्स खिलाफ कार्रवाई तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम्हारा ऑफिसर्स जमीन से कब्जा कन था दोहन में मुलविज अहलकार ऑफिसर्स मर्जी से पोस्टिंग्स भी वन था दोहन में मुलविज ऑफिसर्स के फ्री हैंड दिनों है। अदालत की छंड से आई जी सिंध खामोश कंध लोडी रो। पीर वसन भरसा सुई गैस चौक से नौजवान सरेआम कतल। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद नौजवान बरकत खासखेली के गोलियों जो खाज बनाए फरार। इलाके वासन जो चवण है तो मकतूल जो पंजी बिरादरी के माहौल से तकरार हलंदड़ हो। पुलिस वाकये के कारणन का अणजान।
रोहड़ी भरसा नारा कैनाल में टपो दींदर औरत जो लाश कंधरा पुल वठ थे। अनिला जाल एजाज बांगो टे ढी अग कैनाल में टपो दई खुदकुशी कई हुई। पुलिस जो चवण है तो औरत मुड़स का नाराज थी घर निकती ए पोए इंतहाई कदम खयो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में अवां खे भलीकार चऊं था। मां आहियां महताब अली नूर। हेडलाइंस मां ॾिठियूं, बुलेटिन सां गॾु हाज़िर थियूं था। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ ट्रांसमिशन इज़ ब्रॉट टू यू बाय